हेलो फ्रेंड्स तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इसके स्किन में हमारे हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है जो औरतें मेनोपॉज से गुजर रही हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है डाइजेशन में बहुत मदद करता है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डेली किचन तो आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू जिन्हें हम फ्लैक्सीड के लड्डू भी कहते हैं तो मैंने कढ़ाई ले ली है उसमें डाल लिया है घी और ये सारी ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं काजू बादाम मखाने किशमिश पिस्ता तो इनको हम एक के बाद एक करके इन्हें रोस्ट करेंगे तो पहले मैंने मखाने ले लिए हैं इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे मखाने के रोस्ट करने की पहचान ये है कि उसको अगर आप उठा के देखेंगे तो, तो आसानी से वो क्रश हो जाता है तो ये देखिए मैंने मखाने रोस्ट कर लिए हैं इसके बाद मैं दूसरा ड्राई फ्रूट ले लूँगी थोड़ा सा उसके पहले घी ऐड करेंगे तो मैं इसमें फिर से घी ऐड कर लूँगी और इसके बाद अपना दूसरा ड्राई फ्रूट जो कि है काजू वो ऐड कर दूँगी तो काजू को भी हम स्लाइटली फ्राई करना है हल्का सा रोस्ट टाइप का करना है हमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स जले ना इसलिए आप बराबर तरीके से इसमें स्पून को अपने स्पैचुला को चलाते रहें तो ये देखिए हमारे काजू भी रोस्ट हो चुके हैं इस ऐसे ही करके मैं सारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लूँगी तो इसके बाद बादाम को कर लेंगे बादाम को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है बस हमें दस दस बीस बीस सेकेंड्स भी अच्छे से अगर हम इसमें स्पैचुला चलाएँगे तो ये अच्छे से हल्के फ्राई रोस्ट हो जाएंगे ये देखिए कितने अच्छे से हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं तो इसे भी हम निकाल लेंगे अब हम डालेंगे किशमिश तो किशमिश हमें मुश्किल से टेन सेकेंड्स ही रखना है घी में नहीं तो किशमिश जल जाती हैं तो ये देखिए मैंने किशमिश डाल लिए हैं अब इन्हें भी हम हल्का सा स्टव फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए बस टेन सेकेंड्स बहुत होते हैं किशमिश के लिए तो ये अब हम किशमिश को भी बाहर निकाल लेंगे तो अब हमें ये करना है कि इसमें लेना है पिस्ता पिस्ते को भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा मैंने हल्का सा घी इसमें ऑलरेडी था तो इसे हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है अब इसके बाद मैंने ले लिया है अलसी ये अलसी मैंने इसमें डाल दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली ये 800 हंड्रेड ग्राम्स अलसी हैं तो इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी तो जब इनमें पॉपअप का साउंड आ जाए तभी पता चलेगा कि ये अलसी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है तो अभी तक जब तक इसमें पॉपअप का साउंड ना आए तो ये रोस्ट नहीं होती है तो रोस्ट हो गई थी इसे मैंने निकाल लिया था फिर मैंने ले लिया है एक टेबल स्पून घी और टू फिफ्टी ग्राम्स आटा आटा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ इससे कलर बहुत अच्छा आता है अलसी के लड्डुओं में अदरवाइज़ वो बहुत ब्लैक बनते हैं तो अगर आपको हल्का ब्राउन बनाना है तो आटा ज़रूर ऐड करें इससे टेस्ट भी बहुत इनहेंस हो जाता है ये है जैजरी गुड़ तो ये भी मैंने बराबर तरीके से एक किलो ले लिया था तो ये देखिए एक पैकेट मैंने डाल दिया है हाफ़ के जी का एक पैकेट में और ऐड कर दूँगी तो टोटल मिला के ये वन के जी है इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे अप्रोक्सीमेटली हाफ कप ऑफ वाटर इसे भी अच्छे से मिला लेंगे गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल लो पर है इसे हम मिक्स करते रहेंगे फाइनली आप देखेंगे कि एक बहुत पतला सा एक जाजरी का एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है अदरवाइज ये जल जाएगा जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे उसे मैंने क्रश कर लिया है और अलसी को भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया है तो अब ये देखिए हम इसमें आराम से चम्मच चलाते चलाते सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे अलसी जो हमने पीसी है मिक्सर ग्राइंडर में सब कुछ अब हमें धीरे धीरे करके इसमें ऐड करना है अगर आप इस प्रोसीजर से बनाएंगे तो आपके अलसी के लड्डू मैक्सिमम फिफ्टी फाइव बन जाएंगे मैंने आटा भी ऐड कर दिया है ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया है और अलसी भी ऐड कर दी है अब इसमें हमें धीरे धीरे करके अच्छे से इसमें चम्मच चलाना है गैस की फ़्लेम बिल्कुल लो पर है तो धीरे धीरे अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से चम्मच चला लिया ये अच्छे से मिक्स हो गया अभी ये बहुत गर्म है जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए टच करने लायक हो जाए तब हम इसे टच करेंगे और फिर इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है अगर आप आटा ऐड करेंगे तो इसका कलर इसी टाइप का आएगा तो ये देखिए मैं दूसरा लड्डू बना रही हूँ इसे ज़रूर बनाइए विंटर्स के लिए तो इसे ज़रूर बनाया ही जाता है ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसे ज़रूर विंटर्स में बनाना चाहिए तो हम पूरी फैमिली तो बहुत इन्जॉय करती है अलसी के लड्डू तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मैं और भी ड्राई फ्रूट्स की लड्डू की रेसिपी जल्द ही लाने वाली हूँ आपको मेरे चैनल पे आटा गूंद ड्राई फ्रूट्स की लड्डू की रेसिपी भी मिल जाएगी आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी में बहुत जल्द थैंक यू